नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट से पहले हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस किसे कहते हैं। ग्रीन हाउस इज एन इंडोर कवर्ड प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड। ऐसी एक इंडोर कवर्ड प्लेस को ग्रीन हाउस कहा जाता है, जहां पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। क्यों उगाया जाता है? क्योंकि हो सकता है इस ग्रीन हाउस के बाहर का टेम्परेचर इतना कम हो जो इन स्पेसिफिक कुछ क्रॉप्स को सपोर्ट ना करता हो, इसलिए इनको अंदर रखा जाता है इसके, ताकि ये और इसके अंदर वार्मर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है ताकि ये जो क्रॉप्स है ये ग्रो कर सकें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस। पर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं उस प्रोसेस को जिस प्रोसेस से सूरज की जो रेडिएशन है धरती के एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती हैं, और ये पॉसिबल हो पाता है एटमॉस्फेयर में जो कुछ गैसेस अवेलेबल हैं उनकी वजह से। ये देखिए, सूरज की ये कुछ रेडिएशन आ रही है, कुछ तो बादलों से ही वापस चली गई रिफ्लेक्ट होके, कुछ को धरती खुद एब्जॉर्ब कर रही है अपने में, कुछ को ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, NH4 है, ये गैसेस इन रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। पर जब इनको ये एमिट कर रही होती है ना, तो इनको ये एज अ हीट रेडिएशन एमिट करती हैं। अब इसका कोई नुकसान तो नहीं था कुछ समय पहले तक, क्योंकि ये नेचुरल नॉर्मल फिनोमेना है। इसकी हेल्प से धरती पे टेम्परेचर मेंटेन रहता है, स्पेशीज को जितना टेम्परेचर चाहिए उतना मिल पाता है। पर ये प्रॉब्लम क्यों है? अब प्रॉब्लम क्यों कहा जा रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रही है ना, उन गैसेस की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ रही है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स को चलाते हैं, डिफॉरेस्टेशन की है इंसानों ने, इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो स्ट्रेंथन हो गया है, और इसकी वजह से धरती पे जो टेम्परेचर है वो ज्यादा बढ़ गया है, इतना होना चाहिए उससे भी कुछ डिग्रीज बढ़ चुका है। इस टर्म को बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। जो गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट करवाती हैं इनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसेस है, HFCs, PFCs एंड SF6, और ओजोन भी। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट से, धरती गर्म हो रही है, इसका क्या नुकसान है? अब इसका ये नुकसान है कि ऑन एंड एवरेज धरती का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा वार्म हो चुका है पहले की तुलना में, और कुछ प्लेसेस बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुकी हैं, कुछ में हो सकता है जितनी गर्म नहीं है, पर कुछ बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी हैं कि वहां की जो स्पीशीज है वो यहाँ वहां सर्वाइव नहीं कर पा रही। दूसरा ये कि सी लेवल बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारा जो पानी है ग्लेशियर की फॉर्म में अटलांटिक एरिया में या ग्रीनलैंड में, वो जो आइस है वो पिघल रही है वहां पे, और उसके पिघलने से सी लेवल बढ़ रहा है। सी लेवल के बढ़ने से बहुत सारे डिजास्टर हो सकते हैं, जैसे सुनामीज वगैरह। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बढ़ता है इससे, क्योंकि जो कोस्टल एरियाज हैं वो सिंक कर रहे हैं पानी के अंदर, उन एरियाज में फ्लड्स हो सकते हैं हैवी, और उन एरियाज में सॉइल इरोजन हो रहा है। और एग्रीकल्चर इम्पैक्ट क्या हो सकता है? जो प्लेसेस पहले एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल थी, अब क्लाइमेटिक पैटर्न शिफ्ट होने की वजह से अब वो जगह इतनी सूटेबल नहीं रही, कोई और जगह उतनी सूटेबल हो गई, तो जो नॉर्मल एग्रीकल्चर था वो इफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से। हाउ टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, कैसे बचाया जाए ग्लोबल वार्मिंग होने से? कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस को हम स्टॉप तो नहीं कर सकते, पर हम इनको कम जरूर कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स। फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स यूज करके, जो कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज ना करती हूं। दूसरा, हम रेगुलर इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब को रिप्लेस कर सकते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब के साथ, जिसमें से एमिशंस नहीं होती हैं। हम सोलर पैनल्स को यूज कर सकते हैं, और अदर जो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस हैं उनको यूज कर सकते हैं, अपना पैसा भी बचा सकते हैं इससे,
और कार्बन फुटप्रिंट भी बचा सकते हैं। कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं जो मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से जो कार्बन इमिशंस होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसको बोला जाता है कार्बन फुटप्रिंट। जिस वक्त वो चीजें यूज नहीं हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो भी, उस वक्त उनको ऑफ कर दिया जाए तो भी काफी एनर्जी सेव कर सकते हैं हम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्लांट मोर ट्रीज, हम बहुत सारे प्लांट की प्लांटेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।